9 और 10 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन था, जो बहुत ही शानदार ढंग से संपन्न हुआ। दुनिया भर में इस सम्मेलन की खूब चर्चा हुई। इस दौरान अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, कोरिया, दुबई और सऊदी अरब समेत कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आए हुए थे। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे। बैठक 2 दिन चली। इस दौरान दिल्ली को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस समेत कई सुरक्षा बलों के जवान दिन रात सुरक्षा को पुख्ता बनाने में जुटे थे। G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हजारों लोगों ने गर्मी और बारिश में भी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई। 22 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी का आभार जताने के लिए भारत मंडपम में आमंत्रित किया। यहां उनसे बात की और उनके अनुभव जाने। इस दौरान एक जवान ने पीएम के साथ अपना एक निजी अनुभव साझा किया। दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान उनकी ड्यूटी भारत मंडपम में लगी हुई थी। यहां नेताओं के द्विपक्षीय वार्ता के लिए रूम्स बनाए गए थे। इन्हीं में से L1 में उनकी सुरक्षा की तैनाती थी। तभी 9 सितंबर को उन्हें फोन आता है और बताया जाता है कि उनकी मां को हार्ट अटैक आया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बताते हुए वो भावुक हो गए। उन्हें लग रहा था कि वो अपनी मां के पास चले जाएं और उनका ख्याल रखें, लेकिन उन्होंने ड्यूटी को तरजीह दी। वो जानते थे कि उनकी ड्यूटी बेहद ही जिम्मेदारी भरी हुई है, इसलिए उन्होंने अपने आप को संभाला और अपनी ड्यूटी पूरी की। सर, हम ये ड्यूटी बड़े गर्व के साथ कर रहे थे और हमें बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा था कि हम इतने बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर, मेरा एक निजी अनुभव इस समय के दौरान रहा कि दिनांक 9/9 को जब मैं ड्यूटी पर था तो सॉरी सर, मुझे सूचना मिली कि मेरी माता जी को हार्ट अटैक आने के कारण अचानक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सर, उस समय मैंने अपनी ड्यूटी को जारी रखा। एक मन कह रहा था कि आप माँ के पास जाइए, दूसरा मन कह रहा था नहीं, आप इस देश को गौरव हैं और अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू कीजिए। दिल्ली पुलिसकर्मी सुरेश कुमार के इस अनुभव को सुनने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि सुरेश कुमार ने ड्यूटी को निजी दिक्कतों के ऊपर रखा। पीएम ने कहा कि ऐसे मुश्किल वक्त में आपने देश की जरूरत को प्राथमिकता दी, ये आपकी कर्तव्य निष्ठा और देश प्रेम को दिखाता है। सुरेश जी, मैं समझता हूँ कि बहुत ही कठिन पल में अपने मन को संतुलित रखा, ये बड़े ही हिला देने वाले पल होते हैं, लेकिन आपको लगा कि ऐसे समय अगर आप, क्योंकि 9 तारीख यानी उस पहला दिन और बड़ा महत्वपूर्ण काम था, अचानक किसी दूसरे को ड्यूटी भी संभव नहीं थी और आपने इतनी सारी बातों को संभाल लिया, तो सुरेश जी मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने देश की जरूरत को प्राथमिकता दी व्यक्तिगत। इतनी बड़ी घटना, उससे अपने आप को अपने ड्यूटी के लिए समर्पित रखा, परमात्मा आपको बहुत शक्ति दे। अब दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर सुरेश कुमार की हर तरफ खूब तारीफ हो रही है। लोग उनके इस जज्बे, जिम्मेदारी और कर्तव्य निष्ठा की सराहना कर रहे हैं। टाइम्स नॉन ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।